करके ही सभी कामों को किया जा सकता है। इसलिए आज का मुद्दा जो चर्चा का है वो ये है कि शासन से सकारात्मक संवाद किस तरह से स्थापित किया जाए। आज मैथिली शरण गुप्ता साहब इसी मुद्दे पर देशवासियों के सामने अपने विचार और तथ्य रखेंगे। तो आइए मिलते हैं पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्ता साहब से। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार आपको। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि शासन से सकारात्मक संवाद का वातावरण बने इस पे आप किस तरह की योजना का सूत्रपात चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा अपनी सरकार से संवाद जो है ठीक नहीं है जी। और जो हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो सही मायने में डेमोक्रेसी है ही नहीं जी। ये धीरे से जब इन लोगों ने राजनीति का दुरुपयोग किया, बूथ कैप्चरिंग की, आदमियों की ही कैप्चरिंग कर ली, डिफेक्शन कराया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया और एक पॉलिटिकल पार्टी भिप लाए, तो उसके माध्यम से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चाहे जैसे भी चुने गए हो जी, वो जो है इस बात के लिए वो विवश हो गए कि ना तो वो अपनी बात संविधान के अंदर ना ही संविधान के बाहर ना वो अपनी बात रख पा रहे हैं ना वो पब्लिक की बात रख पा रहे हैं। बिल्कुल सही। संविधान के अंदर वो पॉलिटिकल और पार्टी भिप से जो है ना बंधे हुए हैं और संविधान जो है ना पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं जी। यहाँ तक कि टीवी डिबेट्स ये वो सभी में वो अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के ही बात करते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो ये व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, उसके लिए क्या पहल करना चाहिए? पहले मैं उसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड क्लियर करना चाहूंगा तो फिर आपका इस क्वेश्चन का जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से बन जी, पाएगा। बताइए। अभी सवाल ये है कि इस बीच में जो दूसरे लोगों ने जनता से संवाद का तरीका रखा वो अंग्रेजों के समय जो चीजें अपनाते थे उन्हीं को जारी रखा जी। जैसे चक्का जाम करना, जैसे रेल रोको करना, जैसे तोड़फोड़ करना जी। और उसमें बहुत सारे लोग जो कि देश का विघटन चाहते थे उन्होंने इस घटिया जो है ना संवाद के तरीके को अपना कर अपनी राजनीति चमकाई और पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए वो रातों रात जो है वो चमक गए, राजनीति में भी आ गए, टिकट भी मिल गया और वो जीत भी गए राइट जी। तो वो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि संवाद का ये तरीका गलत है, नंबर वन। नंबर टू, संवाद का ये तरीका तब तक ही चलता है जब तक कि आज के जो धूर्त और जिसमें 42% क्रिमिनल्स हैं ये सरकार बाहुबली भी है और अपराधियों के सिसे की भी सेना इसके पास है जी। तो यदि आप ये वाला संवाद रखते हैं मतलब दैट इज चक्का जाम रेल रोको टाइप का तो ये कब अपने क्रिमिनल्स को भेजकर खुद गड़बड़ी करा के लाठी चार्ज करके गोली चलाकर आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके और आपको जेल में डाल के आपको जो है ये संवाद के आपको संवाद को फेल कर सकते हैं और संवाद को दर किनारे लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक दूसरा इनको संवाद का फेल करने का और डाइवर्ट करने का इशू डाइवर्ट करने का इनका बड़ा पावरफुल तरीका है। आप याद करिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू एंड कश्मीर में डेथ हुई और उनकी माँ और वेस्ट बंगाल में बहुत जोर से ये मांग उठी कि उनकी मौत के बारे में जांच की जाए जी। तो आप थोड़ा सा अपनी दिमाग पर जोर डालिए, उस समय इन्होंने क्या किया, ट्राम का किराया डबल से ज्यादा कर दिया राइट जी। और चूंकि जो है कोलकाता की जो है ट्राम जो है लाइफ लाइन है और हर किसी को वो उसने प्रभावित किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा जो है वो पीछे बैकग्राउंड में चला गया और ट्राम का किराया कम किया जाए ये मुख्य मुद्दा बन गया जिसे शासन ने आसानी से मान लिया और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो हत्या हुई वो जो है ना बैकग्राउंड में चला गया। तो ये दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अभी जो वर्तमान संवाद का तरीका है इनके पास ढेर सारी डायवर्सन टैक्टिक्स हैं जिसके माध्यम से ये कभी भी चीजों को दाएं बाएं कर सकते हैं।
जी देखिए, आपने मीडिया में यह बात देखी है कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा दबाना हो तो कोई दूसरा मुद्दा खड़ा कर, एकदम सही। तो इसका मतलब है कि दोनों तीनों चारों जो डाइवर्सनरी टैक्टिक्स हैं उसके कारण जो है वर्तमान में संवाद का सही तरीका नहीं है और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपको ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और उनकी सामर्थ्य खत्म हो गई है आपकी बात वहां तक पहुंचाने की। मतलब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो अपना मुंह भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि यदि उनके आका कुपित हो गए तो जो भी उनको थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा और वो जो है ना उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। एकदम सही। अब इसका जो है हल क्या है? हाँ, इसका हल है। इसका हल जो है आपको जान के ताज्जुब होगा कि किसी और ने नहीं बल्कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इजाद किया है। मैंने तो सिर्फ उसे समझा है और अपनाया है, तो आपको ताज्जुब होगा कि वो क्या तरीका है। हेलो जी जी बताइए आगे। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि नंबर वन हमारा जो है पहले पब्लिक से संवाद हो सरकार से पहले, राइट जी। संवाद के दौरान हम जो है उनमें उनका अपने में विश्वास अर्जित करें और जैसे आपने 10 मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे ही मुद्दे आइडेंटिफाई करके कहां पे जो है ना संविधान में संशोधन की जरूरत है, कहां पर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में संशोधन की जरूरत है, कहां पर जो है ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जैसे कि लॉ ऑफ टॉट जो है इंट्री वन के तहत इन सरकार को बनाना था लेकिन वो आज तक नहीं बनाया। यदि वो बना दिया होता तो आज हमारी ब्यूरोक्रेसी एज ए लॉर्ड बिहेव नहीं करती, वो एक अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी होती और वो अपने गलत निर्णयों के लिए उत्तरदायी भी होती और उसे कंपनसेशन भी देना पड़ता, राइट? सही, एकदम सही। तो अब जो है हम यदि पब्लिक से ठीक ढंग से संवाद करके उनका विश्वास अर्जित कर लेते हैं देन वी विल बिकम द माउथ पीस और आउटलेट ऑफ द पब्लिक का जो व्यूज है उनको क्रिस्टलाइज करके सरकार से संवाद करने के लिए अब हम इलिजिबल हो गए, राइट? सर आप ये बताइए कि आपने मोदी जी की बात कही बिल्कुल सही है लेकिन मोदी जी के विजन के साथ साथ 11-13 अभी अपन संवाद के तरीके पर फोकस करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी अपनी बात संवाद के ऊपर है। अच्छा, तो संवाद के ऊपर है तो अभी हम संवाद में के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। संवाद के लिए हमारी एक फॉलोइंग होना चाहिए। हम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पब्लिक की आवाज है, इसको क्वालिफाई करने का हमने एक मापदंड ये रखा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो है जी। पहले करोड़ों की संख्या में उसकी रीच पहुंचाई जाए, उसको जो है हर अच्छे व्यक्ति को जोड़ा जाए, हर अच्छे व्यक्ति से निवेदन किया जाए कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों से संवाद करें और ये सशक्त माध्यम से सशक्त संवाद के तरीके से उन्हें अवगत कराएं और जी। और वो जो है इस संख्या को कम से कम 1 करोड़ तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे तब हम ये मान रहे हैं कि हम अधिकृत हो गए हैं जनता के बिहाफ पे सरकार से बात करने के। राइट, अब संवाद का तरीका क्या हो? जी। तो संवाद के लिए पहले से कुछ प्रिजम्पशन होते हैं क्योंकि हम इसका मतलब है कि हम संवाद के अभी हमारा संवाद नहीं है। अभी हमारा संवाद का तरीका क्या है कि हम पिटीशन देते हैं, राइट जी। वो पिटीशन जो है उन्हीं लोगों तक पहुंच जाती है जिनको जो है जिनके कारण वो पिटीशन पैदा हुई है जी। सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साठ गांठ है जी। तो वो जो है वहां बंदर बांट हो रही है, तो जो आपके लोग हैं जो बंदर बांट कर रहे हैं उनके प्रति आप एक बहुत ही सार्थक कार्रवाई करने की आपकी सोच ही नहीं है जी। क्योंकि वो सैया भय कुतवाल तो डर किस बात का, वो इस तर्ज पे काम चल रहा है। सही। तो उसके कारण जो है जो पिटीशन है वो अपना समय बर्बाद करना है, इसलिए आपने देखा होगा ढेर सारे लोग उस सालों तक पिटीशन देते रहते हैं, सबको कॉपी देते रहते हैं लेकिन उनको न्याय जो है ना दूर भागता रहता है। जो लोगों की वैधानिक जिम्मेवारी है जैसे पूरे पुलिस विभाग की जिम्मेवारी है 154 के तहत जो है थाने की जिम्मेवारी है और 36 CRPC के तहत
सभी वरिष्ठ अधिकारियों की भी वही जिम्मेवारी है कि यदि आप संज्ञेय अपराध की बात कर रहे हैं तो FIR दर्ज हो जाए, और यदि असंज्ञेय अपराध है तो असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज हो जाए, जिसको NCR कहते हैं।